बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस, और कॉनिक सेक्शंस में हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 का ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने दो क्वेश्चंस जो हैं इसके पहले दो क्वेश्चंस कवर किए हैं। अब हम सेकंड पार्ट में यानी कि इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है वो मैं यहाँ पर पहले लिखूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज द सर्कम सेंटर इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपने प्रूव ये करना है कि मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटन्यूज, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। इसको पहले हम डायग्राम से समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है और क्या पूछा गया है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक ट्रायंगल है, मैं यहाँ पर ये ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का होता है। सपोज ये दोनों जो साइड्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ये 90 डिग्रीज एंगल यहाँ पर बन रहा होगा। ठीक है, अब मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इस केस में क्या बन रहा है, 90 डिग्रीज एंगल के ऑपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज बन रहा है, और हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट है वो हमें क्या गया, ये मिड पॉइंट, सपोज मैं कहता हूँ इसको एम, के एम मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट जो है ये सर्कम सेंटर है। ठीक है, ऑफ दिस ट्राइंगल, सपोज मैं इसे ए बी सी कह देता हूँ, ए बी एंड सी, ये हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें जो बी सी साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट मैंने एम से यहाँ पर डिनोट किया, और हमने प्रूव ये करना है कि ये एम पॉइंट जो है वो सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल है। सर्कम सेंटर का मतलब क्या होगा, सर्कम सेंटर का मतलब ये है कि इस पॉइंट का अगर डिस्टेंस तीनों साइड्स या तीनों वर्टिसेस, ठीक है, ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स और सी वर्टेक्स, इन तीनों से सेम हो डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि ए एम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए एम जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो बी एम डिस्टेंस के और एम सी या सी एम डिस्टेंस के, यानी कि ये तीनों डिस्टेंसेज अगर आपस में इक्वल हों तो ये पॉइंट जो एम पॉइंट है वो सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है, तो चले हम इसको जो है प्रॉपर वे में लेकर चलते हैं। ठीक है, और मैथमेटिकली भी इसको सॉल्व करते हैं, और हमने डायग्राम से तो समझ लिया हमने करना क्या। तो हम ऐसा करते हैं कि एक सबसे पहले तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। चलें, ये हम इसको वर्टिकल लाइन को मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ, और इसको वाई एक्सिस हम कह देंगे, ये वाई एक्सिस है। उसके अलावा मैं एक्स एक्सिस भी यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा अब हमने ये करना है कि एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। ट्रायंगल हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वर्टेक्स ट्रायंगल का, ठीक है, और एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ट्रायंगल का वर्टेक्स, और एक वर्टेक्स जो है वो हम यानी कि ओरिजिन पर ले लेते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को मैं जॉइन कर लेता हूँ। चलिए हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कलर से हम इसको जॉइन कर लेते हैं, इस तरह से ये एक साइड बन जाएगी इसकी। ठीक है, और इस तरह से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दूसरी साइड बन जाएगी। ठीक है, और थर्ड साइड जो है इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने से बनेगी, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ चुकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, चलें इनके हम नाम भी रख लेते हैं कि मैं इसको कहता हूँ कि ये पॉइंट जो है ये ओ पॉइंट है। ठीक है, उसके अलावा इस पॉइंट को, इस वर्टेक्स को हम कह देते हैं ये ए वर्टेक्स है,
उसी तरह से इस वर्टेक्स को हम कहते हैं ये बी वर्टेक्स है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने क्या कहा था कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अच्छा, और ये ओरिजिन है हमारे पास। अच्छा, अब मिड पॉइंट जब हमें कहा गया, हमने क्या शो क्या करना है कि मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज क्या है। हाइपोटेन्यूज के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। देखें, ये दो लाइंस जो हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो ट्रायंगल की दो साइड जो हैं इन दोनों के अलोंग है, यानी कि एक साइड एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक साइड वाई एक्सिस के अलोंग है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, ठीक है। मतलब ओ बी और ओ ए साइड के दरमियान जो है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसके ऑपोजिट आप अगर देखें तो ये हाइपोटन्यूज साइड कहलाएगी इस ट्रायंगल की, और हाइपोटन्यूज साइड जो है उसका मिड पॉइंट यहाँ पर तकरीबन बनेगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट बनता है हाइपोटन्यूज का, इसका नाम हम सी रख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कोऑर्डिनेट्स पे आते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स आप देखें, एक्स की साइड पे पॉजिटिव है तो मतलब पॉजिटिव कोई वैल्यू ले लेते हैं, ए हम ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा वाई यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जीरो है, तो ये वाई यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसी तरह से बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लेना चाहें तो एक्स यहाँ पर जो है वो जीरो आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि सारी की सारी लेंथ जो है एक्स वाई के अलॉन्ग है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। उसी तरह से बी की अगर बात करें, मतलब बी पॉइंट की बात करें, इसमें वाई एक्सिस या वाई कोऑर्डिनेट क्या बनता है, ये पूरी पूरी लेंथ हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट बनता है। इसको हम सपोज कर लेते हैं ये बी कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब एग्जैक्ट वही वैल्यू मैं कोई नहीं ले रहा, कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं ले रहा, मैं खुद से जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, जीरो बी इसके बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन गए, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा जीरो ये बन गए, और ओरिजिन या इस ओ पॉइंट या ओ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता है कि 0.0, क्योंकि ये ओरिजिन है। अच्छा, ये हमने ले लिया। उसके बाद आप देखें सी को हमने क्या कहा था, सी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल यानी कि हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ए और बी, ए बी साइड का ये मिड पॉइंट बनता है सी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला अगर आप यूज़ करेंगे तो ये 0 प्लस ए डिवाइड बाई 2 यानी कि ए बाई 2, और बी प्लस 0 डिवाइड बाई 2 यानी कि बी बाई 2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं सी पॉइंट यानी कि मिड पॉइंट ऑफ दी ए बी साइड या मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्टेंसेस फाइंड करेंगे। मतलब मैं फाइंड ये करना चाहूँगा कि यहाँ से जो है ये डिस्टेंस ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा, ठीक है, और सी से बी तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करूँगा, और ये डिस्टेंस ओ सी से लेकर ए तक का डिस्टेंस। मतलब हमने क्या क्या फाइंड करना है, ओ सी डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ठीक है, उसके अलावा ए सी डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, उसके अलावा बी सी डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंसेस अगर इन तीनों की वैल्यूज सेम हुई तो हम कहेंगे कि सी पॉइंट जो है वो सरकम सेंटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो चलें हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला सिंपल यहाँ पर लगेगा, ओ सी डिस्टेंस सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। ओ सी डिस्टेंस इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि ओ के कोऑर्डिनेट 0.0 है और सी के कोऑर्डिनेट्स ए बाई 2 एंड बी बाई 2 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास ए बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बी बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया। अब इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाय 4 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ओ सी डिस्टेंस जो है, ओ सी डिस्टेंस इसकी वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास वो होगी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इन दोनों में से आप जो है 1/4 कॉमन ले लें। चलें मैं यहाँ पर लेके दिखा देता हूँ, इस तरह से ये 1/4 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और 1/4 का जो है स्क्वायर रूट आप लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, वो बाहर आ जाता है, और बाकी एज इट इज़ स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। ये ओ सी डिस्टेंस आ गया,
इसको हम वन कह देते हैं, वन का नाम दे देते हैं। इसी तरह से हम हमने फाइंड करना था ए सी डिस्टेंस, ठीक है। तो ए सी डिस्टेंस चले हम फाइंड आउट करते हैं। ए सी के लिए ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आपको गिवन है और सी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये बनेगा ए बाई टू माइनस ए का स्क्वेयर और प्लस बी बाई टू माइनस ज़ीरो का स्क्वेयर, ठीक है, और उसके ऊपर होल स्क्वेयर रूट। अच्छा, अब ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया यहाँ पर। अब इसको हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट में 1/2 स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आएगा, ठीक है। तो ए सी डिस्टेंस भी हमारे पास आ चुका है, इसको हम नंबर टू कह देते हैं। और थर्ड जो डिस्टेंस हमने फाइंड करना था वो बी सी डिस्टेंस है, वो किसके इक्वल आएगा। हमारे पास बी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इन दोनों पे आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो चलें अब हम इन पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो मतलब ए बाई टू माइनस ज़ीरो का स्क्वेयर प्लस बी बाई टू माइनस बी का स्क्वेयर और उसके ऊपर होल स्क्वेयर रूट। इसको भी आप जब सॉल्व करेंगे तो बी सी डिस्टेंस की वैल्यू जो आपके पास आएगी 1/2 स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आएगी, इसको नंबर थ्री कह देते हैं। तो इन तीनों इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि तीनों की वैल्यू सेम है, ठीक है। तीनों की वैल्यू सेम मतलब कि ओ सी डिस्टेंस जो है वो इक्वल है ए सी डिस्टेंस के और ये दोनों इक्वल हैं बी सी डिस्टेंस के। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सी इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, बल्कि ए बी सी नहीं है, ओ ए बी या ए ओ बी या बी ए ओ बी ओ ए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू था जो कि बहुत आसान था, ठीक है। तो हमने वो प्रूव कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर की मैं स्टेटमेंट पहले यहां पर लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर फोर में कहा गया है प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट, यानी कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ऑफ ए सर्कल। पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर इसको हम समझते हैं। अच्छा, फ्रॉम पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑन अ डायमीटर, ऑन अ डायमीटर इज अ मीन प्रोपोर्शनल, इज अ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन द सेगमेंट्स, बिटवीन द सेगमेंट्स इन टू विच इट डिवाइड्स द डायमीटर, इन टू विच इट डिवाइड्स द डायमीटर। अच्छा, क्वेश्चन अब हम समझते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा क्या गया है और हमें प्रूव क्या करना है ये हम देखते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ सर्कल ऑन अ डायमीटर, मतलब एक सर्कल है जिसका एक कोई एक डायमीटर हम लेंगे और उस डायमीटर पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सर्कल की किस बाउंड्री पे, कि कोई भी पॉइंट हो उससे हम डायमीटर यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और वो जो परपेंडिकुलर होगा वो मीन प्रोपोर्शनल होगा जो डायमीटर को, मतलब के जो दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, और उन्हीं दोनों सेगमेंट्स के दरमियान वो मीन प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर हम फिगर से इसको समझते हैं। मैं यहाँ पर पहले एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल जो है ये इसका सेंटर ओरिजिन पर लाया कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस भी ड्रॉ करूँगा। सपोज मैं कहता हूँ ये जो है वर्टिकल एक्सिस को मैं पहले स्ट्रेट कर लेता हूँ और फिर उसको हम कह देंगे कि ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस भी हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट कर लेते हैं इसको।
इसको थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड पे कर लेता हूँ, यहाँ पर करके, ठीक है। इस तरह से जो है ये हमारे पास एक सर्कल है, बल्कि इसको थोड़ा सा मज़ीद नीचे कर लें ताकि बिल्कुल सेंटर पे आ जाए। ये हमारे पास एक यानी कि एक्स वाई एक्सिस भी है, ठीक है। एक्स वाई एक्सिस मैंने रेड कलर से ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करना है। ये आप देख सकते हैं कि सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो है ये डायमीटर है हमारे पास, ठीक है। डायमीटर ऑफ द सर्कल है क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रही है, अच्छा, और दोनों बाउंड्रीज तक जा रही है, ठीक है। बाउंड्रीज पे पॉइंट, इसके एंड पॉइंट्स लाए करें, तो इसका ये एंड पॉइंट जो है इसको हम ए पॉइंट कह देते हैं और ये एंड पॉइंट जो है इसको हम बी पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या रखेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स हम इस तरह से करते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स मैं कहता हूँ, ये क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाया करें तो ए कॉमा जीरो हम इसे कह देते हैं, और इसी तरह से इसको जो है ये नेगेटिव साइड पे है, ठीक है। ये ओरिजिन है और ओरिजिन से नेगेटिव साइड पे एक्स नेगेटिव हो गया, तो इसको हम कह देते हैं माइनस ए कॉमा जीरो, यानी कि वाई एक्सिस जीरो है और ए की कोई ना कोई यहाँ इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अब हम जो है ये ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है कि 0,0 ही होंगे। उसके अलावा हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसी भी पॉइंट से, यानी कि सर्कल के ऊपर, यानी कि किसी भी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस डायमीटर के ऊपर। ये डायमीटर लाइन है, ए बी जो है वो क्या है, डायमीटर है। ए बी जो है वो क्या है, इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर। ओ जो है वो सेंटर पॉइंट है, सेंटर है ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो ए और बी जो है वो एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर्स हैं। उसके बाद एक पॉइंट मैं यहाँ से ले लेता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ कि ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट कोई सा भी मैंने ले लिया, इसका मैं नाम रख लेता हूँ पी पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स मैं कह देता हूँ बी कॉमा सी, इसके कोऑर्डिनेट्स कह देता हूँ क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, मतलब एक्स भी इंक्रीज यहाँ पर कर रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स डिस्टेंस भी है और वाई का डिस्टेंस भी है। तो बी कॉमा सी मैंने इसका जो है वो ले लिया, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो बी ले लिया और सी जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने, ठीक है, बी पॉइंट का। हमने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है अपने डायमीटर के ऊपर, यानी कि सर्कल के डायमीटर के ऊपर। इस तरह से ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, यही हमें क्वेश्चन में कहा गया था, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, हम दोबारा से स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सर्कल, पॉइंट ऑफ अ सर्कल, यानी कि किसी भी पॉइंट से हमने डायमीटर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन अ डायमीटर। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने पी पॉइंट कोई रैंडमली वैसे ही ले लिया यहाँ पर, ठीक है, और जो कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा है, तो पॉइंट ऑन अ सर्कल है ये, और इससे मैंने डायमीटर जो है ड्रॉप किया है डायमीटर ऑफ द सर्कल के ऊपर, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है डायमीटर ऑफ द सर्कल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सर्कल ऑन अ डायमीटर इज अ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द सेगमेंट्स इन विच इट डिवाइड्स द डायमीटर। मतलब आप ये देख सकते हैं कि दो सेगमेंट्स अब बन गए हैं, ठीक है, डायमीटर के दो सेगमेंट्स बन गए हैं, एक ए से लेकर इस पॉइंट तक। अब इस पॉइंट का भी नाम हम रख लेते हैं, सपोज मैं कहता हूँ ये क्यू पॉइंट है, ठीक है, क्यू पॉइंट है, और क्यू पॉइंट आप देख सकते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स के बनते हैं। कोऑर्डिनेट्स एक्स कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम ऐसे होगा जिस तरह से पी का एक्स कोऑर्डिनेट है, क्योंकि सेम डिस्टेंस बन रहा है यहाँ से लेकर ये, आप देख सकते हैं ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पी और क्यू का सेम होगा, तो मैं यहाँ पर बी लिख देता हूँ क्योंकि पी का भी एक्स कोऑर्डिनेट बी है। उसके अलावा यहाँ पर ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाया करें तो वाई कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली यहाँ पर जीरो होगा, तो ये बी कॉमा जीरो इसके क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन गए। अच्छा, अब हमने प्रूव ये करना है कि ए क्यू एक सेगमेंट बन गया डायमीटर का, ठीक है, आफ्टर ड्रॉपिंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन ए बी डायमीटर, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ से मैंने जब ड्रॉप किया तो हमारे पास डायमीटर के दो सेगमेंट्स बन गए हैं, एक ए क्यू सेगमेंट है, एक क्यू बी सेगमेंट है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू परपेंडिकुलर लाइन है ये मीन प्रोपोर्शनल है बिटवीन दीज टू सेगमेंट्स ए क्यू एंड
क्यू बी, ये हमने यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलें प्रूफ करते हैं इसको। अब प्रूफ की तरफ हम आते हैं। प्रूफ में ये है कि सबसे पहले तो मैं इस सर्कल की इक्वेशन लिखूँगा। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, और सर्कल हमारा, सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर लाइक कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन बन जाती है। उसके अलावा ये जो यानी कि हमने जो पी क्यू डिस्टेंस, पी क्यू जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसका लेंथ क्या बन रही है, यानी कि पी क्यू का डिस्टेंस आप देख सकते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट के इक्वल है। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि पी क्यू जो डिस्टेंस है वो इक्वल है वाई कोऑर्डिनेट यानी कि सी के इक्वल, सी के हो गए। इससे हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेना चाहें तो ये स्क्वायर हम ले सकते हैं। उसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि पी पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है हमारे सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो एस पी लाइज ऑन सर्कल, जब सर्कल पे लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम यहाँ पर यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पी के पुट कर देते हैं इसमें, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर मैं सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ जाएगी मैंने ये सी स्क्वायर क्यों फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो ए बी के कोऑर्डिनेट्स हम पहले से देख चुके हैं कि ए और बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने खुद से सपोज किए थे। बी के अगर मैंने पॉजिटिव बी कॉमा ज़ीरो लिया है, बल्कि ए कॉमा ज़ीरो लिया है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव साइड पे है, सेम डिस्टेंस है, तो ये माइनस ए कॉमा ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब हमने जो सेगमेंट्स के डिस्टेंसेस फाइंड करने, अपने अब प्रूफ की तरफ आते हैं कि ये सेगमेंट बनता है, एक ए क्यू सेगमेंट है और एक क्यू बी सेगमेंट है। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ए क्यू जो सेगमेंट है वो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ए और क्यू के दरमियान जो डिस्टेंस बनता है, मतलब कि ये आप इसे कह सकते हैं, आप डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि ए ओ जो डिस्टेंस है प्लस ओ क्यू के इक्वल बनता है ये। ठीक है, यानी कि ए ओ ओरिजिन तक, ए से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस प्लस ओरिजिन से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस ओ क्यू, यही डिस्टेंस बनता है ना। ये तो या तो एक ये तरीका है फाइंड आउट करने का, या फिर आप डिस्टेंस फार्मूला डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस क्या है, एक्स यानी कि एक्स का डिस्टेंस जो बनता है, वैसे तो माइनस ए जो है वो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन लेंथ तो पॉजिटिव ही होती है ना हमेशा, तो ये ए जो है बनती है इसकी यानी कि लेंथ। उसके अलावा ओ क्यू, ओ से लेकर क्यू तक जो है इसका यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा क्यू का, ठीक है, वो बी बनता है। तो ए क्यू जो है पॉइंट या ए क्यू लेंथ जो है ए प्लस बी के इक्वल आ चुकी है। इसी तरह से सेकंड सेगमेंट हम फाइंड आउट करेंगे, जो कि सेकंड सेगमेंट क्या है, क्यू से लेकर बी तक का। ठीक है, तो क्यू बी भी हम फाइंड करने जा रहे हैं। अब क्यू बी आप देख सकते हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक है, मतलब अगर मैं ओ बी में से क्यू बी, बल्कि ओ बी में से ओ क्यू माइनस कर दूं, तो हमारे पास क्यू भी आ सकता है। ओ बी में से ओ क्यू माइनस कर दूं, तो हमारे पास क्यू बी डिस्टेंस आ जाता है, या फिर आप डिस्टेंस फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ओ बी आप देख लें क्या डिस्टेंस बनता है, ओ बी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बी यानी कि ए है। उसके अलावा ओ क्यू, ओ क्यू डिस्टेंस आप देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू जो कि बी है, तो ये a माइनस बी जो है वो उसकी वैल्यू बन जाती है क्यू बी डिस्टेंस की। ठीक है, अच्छा, ये दोनों सेगमेंट्स मैंने फाइंड आउट कर लिए, ए क्यू जो है वो a प्लस बी के इक्वल है, क्यू बी जो है a माइनस बी के इक्वल है। अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेकर देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने शो करना है ये मेन प्रोपोर्शनल है, तो हम इस तरह करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए क्यू दोनों सेगमेंट्स का, ए क्यू डॉट क्यू बी किसके इक्वल आएगा, ए प्लस बी ए क्यू की वैल्यू है और क्यू बी की वैल्यू ए माइनस बी जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आता है। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने ऊपर देखा था, यहाँ पर
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये इसको मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल है, सी स्क्वेयर के, ये इसलिए मैंने फाइंड आउट किया था। और ये कहाँ से आया था कि पी लाइज ऑन अ सर्कल, जैसे कि पी पॉइंट जब वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहा था, तो उसको उसके कोऑर्डिनेट्स हमने सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दिए, हमारे पास यहाँ से सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आया, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की जगह हम सी स्क्वेयर वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से कहूँगा ए क्यू डॉट या प्रोडक्ट ऑफ ए क्यू एंड क्यू बी इक्वल टू आ जाएगा सी स्क्वेयर के। अच्छा, और सी स्क्वेयर ऑलरेडी किसके इक्वल था, सी स्क्वेयर ऊपर हमने जो देखा था सी स्क्वेयर इक्वल था पी क्यू के स्क्वेयर के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये पी क्यू के स्क्वेयर के इक्वल है, ए क्यू इंटू क्यू बी, दोनों डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर आ चुका है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दूँ क्यू बी से, या फिर हम ऐसा करते हैं कि इसको मैं पी क्यू स्क्वेयर को दो दफ़ा लिख लेता हूँ, पी क्यू इंटू पी क्यू। ठीक है, और यहाँ पर क्या है लेफ्ट साइड पे, ए क्यू इंटू क्यू बी। ठीक है, तो अब यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि क्यू बी को मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ, ये बन जाएगा ए क्यू डिवाइडेड बाई, और पी क्यू को मैं लेफ्ट साइड पे ले जाता हूँ, ए क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू बी। तो यहाँ से आप देखें क्यू पी जो है या पी क्यू जो है वो मीन प्रोपोर्शनल बन रहा है बिटवीन ए क्यू एंड क्यू बी के दरमियान। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से कि पी क्यू जो है वो मीन प्रोपोर्शनल है बिटवीन ए क्यू एंड क्यू बी के दरमियान। तो यही हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो यहाँ पर हमारा ये एक्सरसाइज 6.3 जो है कंप्लीट होती है, और लेक्चर का टाइम भी बहुत देर से कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर मैं इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।